चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की इस खास खबर को। कुछ दिनों पूर्व बुलंदशहर के भूड़ क्षेत्र में रजवाहे में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त नहीं हो पाने पर सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा भूतेश्वर शमशान घाट पर विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि चार दिन पूर्व पुलिस को पानी में बहता हुआ अज्ञात शव बरामद हुआ था। स्थानीय पुलिस ने उक्त शव का पोस्टमार्टम करके उसकी शिनाख्त करने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हो सकी तो उन्होंने संस्था द्वारा अंतिम संस्कार करवा दिया है विधि विधान से। और इस पुण्य कार्य में आवास विकास चौकी के कांस्टेबल जितेंद्र कुमार सहित राष्ट्र चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह, आचार्य कृष्ण मिश्रा, कपिल राणा, विशाल गिरी, विकास सिंह, रजत चौधरी, अभिषेक चौधरी खड़क, रविपाल एवं सोनू राघव सम्मिलित थे। आज यहाँ बुलंदशहर के भूतेश्वर शमशान घाट पर बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास चौकी में शेल्टन होटल भूड़ के पास में मिली बम्बे में मिली एक लावारिस शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया, जिसमें कांस्टेबल जितेंद्र कुमार सहित राष्ट्र चेतना मिशन की हमारी टीम ने पूरा सहयोग किया और मृतक की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस खबर के प्रायोजक हैं दिलशाद अहमद, जो कि 65 बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए निवेदक MIM पार्टी बुलंदशहर।